नमस्कार, खबर अंदेज बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर, पहला पेश ने चुनवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार देश वार वार कांग्रेस पार्टी नूं नकार रहा है, पर साजिशां कड़न तो बाज नहीं आ रही। कहा कि पिछले 60 वर्यां विच कांग्रेस परिवार ने खड्डे ही खड्डे कीते ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश दे समाजिक अते आर्थिक सुधारां विच महिलावां दी हिस्सेदारी दी जरूरत ते जोर दिता। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्त भारत मुहिम तहत एटीएफ कीती देश नूं समर्पित। पंजाब दे ज्यादातर हिस्सों विच बदलवाई बनन अते ठंडियां हवावां चलन नाल ठंड ने फड़िया जोर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानां दा इस्तेमाल हमेशा अपनी सियासत लई ही कीता है। राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद दे मते ते राजसभा विच होई चर्चा दा अज जवाब दिंदिआं उन्हां कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा छोटे किसानां नूं अखों ओले कीता ते उन्हां दी आवाज़ नहीं सुनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने छोटे किसानां ते ध्यान केंद्रित करदिआं उन्हां नूं बैंकिंग नाल जोड़िआ है। अज साल विच 3 वार किसान सन्मान निधि किसानां दे खातिआं विच सिद्धी जमा कीती जांदी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हां मिलेट ईयर बारे संयुक्त राष्ट्र नूं लिखिआ सी जिस नूं छोटे किसान ही उगांदे ने। उन्हां कहा कि मिलेट नूं उत्साहित करन नाल छोटे किसानां नूं मजबूती मिलेगी ते मोटा अनाज पोषण लई वी इक वड्डी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन विच जिहड़ी गल हुंदी है उस नूं देश पूरी गंभीरता नाल सुणदा है, पर इह मंदभागा है कि कुछ लोगां दी आवाज़ ना सिर्फ सदन बल्कि देश नूं निराश करन वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्ना चिक्कड़ उछालोगे उन्ना ही कमल वध खिड़ेगा। सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ इसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने सीधे जन धन खातियां विच पैसे भेजण दा काम कीता ते नाल ही नवा ईको सिस्टम लियांदा। उन्हां कहा कि जिन्हां लोकां नूं पुराने ईको सिस्टम दे फायदे मिलदे सन उन्हां वल्लों रौला रप्पा पाउणा सुभाविक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलां प्रोजेक्टां नूं लटकाउणा ते पटकाउणा इक कल्चर सी, पर उन्हां दी सरकार ने तकनालोजी दा प्लेटफार्म तैयार कीता अते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नूं रफ्तार दे रहे ने। उन्हें कहा कि देश वार वार कांग्रेस पार्टी नूं नकार रहा है, पर वो साजिशां कड़न तो बाज नहीं आ रही। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक में लिए, देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं, और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण विच कहा कि बीते 60 वर्यां विच कांग्रेस पार्टी ने देश दी मजबूत बुनियाद बनाई ते इस बुनियाद दा क्रेडिट हुण मौजूदा सरकार लै रही है, पर 2014 ते सरकार बनन मगरों ए देखिया गया कि पिछले 60 वर्यां विच कांग्रेस परिवार ने खड्डे ही खड्डे कीते ने। 8 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नहीं बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा
कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। जब वो गड्ढे खोद रहे थे, छह छह दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश दे समाजिक ते आर्थिक सुधारां विच महिलावां दी हिस्सेदारी दी जरूरत ते जोर दिता है। गुरुग्राम विच ब्रह्म कुमारी ओम शांति केंद्र विच कदरां कीमतां ते आधारित समाज दी स्थापना वजों आयोजित कौमी कन्वेंशन दे उद्घाटनी समागम नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि मावां नूं चाहीदा है कि वह अपने बच्चों नूं मनुखता लई कार्ज करन दी सिख्या देन। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जद कदे महिलावां नूं बराबर दे मौके मिलदे ने तां उह ज्यादातर मामलों विच मर्दां तों अगे वध जांदियां ने। महिला शक्ति ने भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया गया था। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोतों के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में माता पार्वती, माँ दुर्गा तथा काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जीवन की वशोक और नैतिकता के संरक्षण के रूप में देखा गया है। केंद्रीय हाउसिंग ते शहरी मामलों बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा विच प्रश्नकाल दौरान एक सवाल के जवाब विच दस्या कि उज्ज्वला योजना तहत 8 करोड़ गैस कनैक्शन दिते गए ने। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों विच अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते कीमतों विच उतरा चढ़ा आने के बावजूद सरकार रसोई गैस दीआं कीमतों नूं स्थिर रखण विच कामयाब रही है। The Ujjwala scheme, sir, when it was introduced, initially it had 8 crore connections, and these 8 crore connections were provided a good 7 or 8 months before the time. We reissued another 1 crore 60 lakh cylinders under the Ujjwala scheme, where the lady member of the household is presented free of cost. केंद्रीय समाजिक न्याय ते अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्त भारत मुहिम तहत आज नवी दिल्ली विच 25 नशा मुक्ति उपचार सहूलतां ATF देश नूं समर्पित कीतियां। इस ATF योजना दा मंतव नशीलियां दवाइयां दी लत लगे लोकां ते उनां लई समर्पित उपचार सहूलत विचाले पाड़े नूं पूरा करना है। अपने संबोधन विच वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह केंद्र समाज विचों नशीलियां दवाइयां दी वरतों दे खतरे नूं खत्म करन विच मददगार बणनगे ते इस नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नशा मुक्त राष्ट्र दे सुपने नूं पूरा करन विच मदद हासिल होएगी। अमृतसर जिले विच भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते बीती रात ड्रोन दी गतिविधि नोटिस कीती गई। यह घटना BOP बाबा पीर दे इलाके विच होई। BSF दे चौकस जवानां ने ड्रोन दी आवाज सुनदिया ही ड्रोन वाल फायरिंग कीती, जिस ते ए ड्रोन कौमांतरी सरहद दे पाकिस्तान वाले पासे जाट गया। इधर गुरदासपुर जिले दी आदिया चौकी ते भी बीती रात पाकिस्तान वाले पासों एक ड्रोन भारती इलाके विच दाखल होया, जिस ते BSF दे जवानां ने 28 राउंड फायर कीते ते इलू बंब भी चलाया। ए ड्रोन तकरीबन 20 सकिंट तक भारती इलाके विच रहा, मगरों सीमा सुरक्षा बल अते पुलिस ने इलाके विच तलाशी मुहिम चलाई। भारत सरकार दे युवा संगम प्रोग्राम तहत पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा सूबे दे नौजवानों लई उत्तर पूर्वी सूबियां दा एक्सपोजर टूर आयोजित करेगी। केंद्रीय सिख्या, हुनर विकास अते उद्यमता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीते दिनी युवा संगम पोर्टल दी शुरुआत कीती सी। इस टूर लई यूनिवर्सिटी दे नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजीव ठाकुर ने दस्या कि इस टूर विच हिस्सा लैण लई अर्जियां
14 फरवरी तक भेजिया जा सकदियां ने। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम विद्यार्थियों नूं सैर सपाटा, रवायत, तरक्की अते आम लोगों नाल संपर्क करन दा एक मौका प्रदान करेगा। प्रोफेसर ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी की उम्र 18 से 30 साल विचाले होनी चाहिए है, इसलिए विद्यार्थियों नूं युवा संगम पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। कर्नाटक के तारवाड़ के वसनीक वीर नारायण कुलकर्णी इन्नी दिनी कश्मीर तो कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं। इस बारे 10 साल पहला अपने दोस्तों नाल उन्हें एक वादा किया जिसनों हुण वह पूरा कर रहे हैं। इसका मंतव शुगर तो पीड़ित मरीजों को बीमारी तो निजात पाने के ढंग तरीके दसण के नाल नाल राष्ट्रीय एकता का सुनेहा आम लोगों को देना है। एक रिपोर्ट। कर्नाटक के तारवाड़ के निवासी ए ने वीर नारायण कुलकर्णी साइकिल से कश्मीर तो कन्याकुमारी तक की यात्रा से निकले वीर नारायण कुलकर्णी का गुरदासपुर जिले के बटाला बाईपास पुजन से इलाके के पिंड रंगीलपुर के अगांहवधू किसान गुरमुख सिंह होर समाजिक जथेबंदियों के नुमाइंदों ने स्वागत किया। फ्रीडम फॉर डायबिटीज संस्था नाल जुड़े वीर नारायण कुलकर्णी ने तकरीबन 10 साल पहला अपने कुछ दोस्तों नाल समाज विच कुछ वखरा करन दा फैसला कीता सी अते उसनू पूरा करन लई ही ओ इस यात्रा ते निकले ने, भावें उन्हां दे दोस्त यात्रा विच साथ छड़ गए। यात्रा दा मिशन लोकां नू शुगर दी बीमारी तों बिना दवाई निजात दिवाउण संबंधी जागरूकता फैलाउणा है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों की एक बार शुगर की बीमारी लग जाती है, डायबिटीज आ जाता है तो ज़िंदगी भर नहीं जाता। ये सही नहीं है। जैसे जुकाम है, जैसे फीवर है, तो आप अगर ठीक तरह से प्रिकॉशन लो तो डायबिटीज़ भी रिवर्स हो सकता है। तो ये फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ संस्था जो है पुणे की संस्था है और इन्होंने करके दिखाया है। अब तक 13,500 लोग डायबिटीज़ से बाहर आ चुके हैं। तो ये मैसेज मेरे को पहुँचवाना था, इसीलिए मैं ये ट्रिप कर रहा हूँ। अगांहवधू किसान गुरमुख सिंह ने वीर नारायण कुलकर्णी की मुहिम की शलाघा करदे कहा कि इस नाल लोगों विच शुगर की बीमारी तो बचण संबंधी जागरूकता आवेगी। अवेयर भी कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। आ जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ा साइकिल यात्रा जिहड़ा इन्हां दा मिशन है वह सिर्फ इस करके आ कि ये जिहड़ी एक तो इन्हां दा यात्रा का एक मोटिव सीगा ना कश्मीर नूं कन्याकुमारी जाना, उहदे नाल इन्हां ने एक मिशन लै लिया कि आपां जिहड़ा लोगों को जागरूक करना वा कि अपना रहन सहन खाण पीण बदल के तुसीं किवें जिहड़ा शुगर की बीमारी तो निजात पा सकते हो। लोगों नूं शुगर की बीमारी लई अपने जीवन नूं बदलण का सुनेहा देण दे नाल नाल वीर नारायण कुलकर्णी राष्ट्रीय एकता का सुनेहा भी समाज के कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं। गुरदासपुर तो विशंबर बिट्टू नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसीएशन स्टेडियम विच अज शुरू होए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन आस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 170 दौड़ा से सिमट गई। खेड खत्म होने समय तक भारत ने एक खिडारी पिछे 70 दौड़ा बनाईया सन। कप्तान रोहित शर्मा 56 जबकि रविचंद्र अश्विन बिना कोई दौड़ बनाए क्रीज से रहे। KL राहुल 20 दौड़ा बना के आउट होए। भारतीय गेंदबाज रविंदर जडेजा ने 5 विकेट हासिल किए। इस तो पहला सवेरे आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतिया ते पहला खेडन का फैसला किया, पर यह फैसला उस लई सही साबित नहीं होया। आस्ट्रेलिया वालों सब तो वध 49 दौड़ा मानस लाबूशेन ने बनाईया। पंजाब विच पिछले कुछ दिनों तो बने खुशगवार मौसम ने अज करवट लई ते जलंधर समेत वख-वख थावां ते सवेर तो ही बदलवाई बनी रही ते ठंडियां हवावां चलदियां रहियां। इस नाल तापमान विच गिरावट आई ते सर्दी ने एक बार फिर जोर फड़ लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों विच मौसम दे खुश्क रहण दी संभावना दसी है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकदे ने।